अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलोफर, नीलोफर अब्रार। आ जाओ ना कमबख्तो, मरो आकर जल्दी, शक्लें दिखा दो अपनी, मनहूसो। और ये सारे बच्चे मेरे बहन भाई हैं, हम कुल 9 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आठवीं मैं खुद हूँ और नवा बबलू। बबलू बबलू कहाँ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बबलू को अंग्रेजी फिल्में बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। हालांकि अंग्रेजी में तो वो मुझसे भी ज़्यादा डफर है। वैसे आपस की बात है, डफर तो मैं भी बहुत हूँ। पता है इंटर में 3 दफ़ा फेल हो चुकी हूँ अल्लाह के फजल से। पता है मेरे जैसी 18-19 बरस की घुटे हुए माहौल की लड़कियाँ, जिनकी ज़िंदगी में ताज़ा हवा के लिए कोई खिड़की कोई दरवाज़ा नहीं होता, फिर हम जैसी लड़कियाँ ना दीवारों में छेद कर लेती हैं अपने नाखूनों से, जैसे मैंने किया है। दिन में भले से मैं नीलोफर हूँ, मगर अब एक मिनट, मगर रात में कभी मैं कशिश बन जाती हूँ और कभी कभी कुमकुम। कितने अच्छे होते हैं ना सितारे वाले चैनल के ड्रामे। इतनी ढेर सारी साड़ियाँ, इतनी ज़बरदस्त मेकअप, क्या हुआ जो कहानी नहीं होती। वैसे भी आजकल कौन कहानियाँ देखने के लिए ड्रामे देखता है। और ऊपर से अच्छा है ना, हम जैसे डफर लोगों के लिए ज़्यादा दिमाग तो नहीं चलाना पड़ता। किसका दिल चाहेगा इतनी ढेर सारी रंग बिरंगी साड़ियाँ, इतने खूबसूरत मेकअप वाले चेहरों को छोड़कर कोई मेरी कहानी देखे, या फिर मेरी अम्मा, मेरे अब्बा, या फिर हम 8 बहन भाइयों की। किसे दिलचस्पी होगी बंस रोड की नीलोफर की कहानी से। वहाँ तो 500 करोड़ पे लड़ाइयाँ होती हैं, और यहाँ तो हम 5 रुपये पर लड़ रहे होते हैं। आप लोग भी हंसेंगे ना कि बंस रोड की नीलोफर की कहानी का हीरो एक केबल ऑपरेटर है। मुझे हामिद बड़ा अच्छा लगता है। यूं तो मैं उसको पहले भी कई दफ़ा आते जाते तार चुकी थी, मगर हमारी पहली मुलाकात ना बहुत हादसाती थी। ना मैं उसको मुतवज्जो करने के लिए अपना गला खंगारती, ना वो मेरी तरफ देखता, और ना इतनी बात आगे बढ़ती। पता है उस दिन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब लड़की आईना देखे और उसको अपना बहुत खूबसूरत लगे ना, उस दिन उसका तकब्बुर उरूज पे पहुंच जाता है। उस दिन मैं भी गुरूर और तकब्बुर की देवी बनी हुई थी।
बता देता हूँ वरना मैं ये फिल्म कभी ना लगाऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे हामिद बहुत अच्छा लगता है। पता है जब वो हंसता है ना, कानों में खड्डे पड़ते हैं, बिल्कुल शाहरुख खान लगता है। अभी कुछ ही अर्से पहले तो यहाँ आया है, बिल्कुल छड़ा छाट है। उसकी माँ जो है ना, वो शेखुपुरा में रहती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहानी में हीरो भी है, हीरोइन भी है, पर विलन का नामो निशान भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ आए, चले चले। अरे सफर सफर बताती हूँ सब कुछ। ये देखे, जिस दिन अब्बा अम्मा के लिए चिकन टिक्का और मोतियों की कचरे लेकर आता है ना, मैं समझ जाती हूँ कि अब घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। मैं ना इन मामलों में बड़ी होशियार हूँ। आप भी सोच रहे हो कि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ ना, हूँ क्या करूँ, मेरी आदत बिल्कुल अपनी अम्मा पर गई है। अम्मा भी बहुत बोलती है। खैर बहुत हो गया, मेरे ख्याल में अब मैं वक्त ज़ाया नहीं करती। अब मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ, यानी बंस रोड की नीलोफर की कहानी। कमर टूट गई मेरी तो। आए मर गई। आए किसने मारा है, कौन है यहाँ? आए मर गई। आए बकायदा मेरे सर का निशाना लिया है, देखो तुझे। आए अम्मा ने बच्चे ने मार दिया होगा ना, पता तुम्हें? आए आए बच्चे क्या पागल हैं, मेरे दिमाग की रग फट जाती है अभी। अगर मैं मर जाती तो क्या होता? कितना मना किया था तेरे बाप को कि इस मोहल्ले में घर ना ले, यहाँ तो किसी के 11 से कम बच्चे ही नहीं है। हाँ तो तुम्हारे भी तो 9 है। 9 और 11 में बड़ा फर्क होता है। हाँ हाँ कुछ अरसे बाद जो है 9 भी 11 हो जाएंगे, बता दे रही हूँ मैं। चुप कर जा बेशरम, केवल देख देख कर बेशर्मी की बातें करनी आ गई है तुझे। आन दे तेरे अब्बा को अभी, ना कटवा दिया ये केवल तो मेरा नाम भी सईदा खातून नहीं। हाँ हाँ हटा दो केबल भी हटा दो, इस घर में एक ही तो ढंग की चीज है, वो भी हटा देना। मैं बता दे रही हूँ अगर तुमने केबल हटाए ना मैं पागल हो जाऊंगी, ये इस तरह के बाल कर लूंगी, सबको मुंह चिढ़ाया करूंगी। अब जाओ ना जाके खाना पकाओ, जल्दी जाओ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया नीलोफर? सारे बहन भाइयों में सबसे बड़ी है तू, कुछ तो जिम्मेदारी पैदा कर अपने अंदर। कल को तेरी शादी भी होनी है और मैंने वैसे भी तेरी खाला को जबान दे दी है, वो भी ये कह रही थी कि 1.5 साल में रुख्सती करो बस। मैं नहीं करूंगी उस काले सफदर से शादी, बिल्कुल खाला सलीमा की शक्ल का है। अरे हाय, अरे क्या मेरी बहन के मूछें हैं? ये इतना 1.5 इंच का माथा है, उसके ऊपर से आंखें भी अंदर को धसी हुई है, काला कलूटा कहीं का। ये अच्छी कहानी है, जन्नत में भी आदमियों को तो हूरें मिलेंगी और हम औरतों को दुनिया में भी ऐसे टेढ़े मेढ़े आदमी मिले। मैं बता दे रही हूँ अम्मा, अगर तुमने मेरी उस सफदर से शादी की ना, शादी की पहली रात ही मैं ना उसको जहर दे के मार दूंगी। अभी सितारे वाले चैनल में मैंने ड्रामा देखा था, उसमें लड़की ने भी यही किया था लड़के के साथ। जहन्नुम में जाए तू और तेरा सितारे वाला चैनल। अम्मा अम्मा ये तुम्हारा छोटा वाला है ना, जिसका तुमने अभी नाम भी नहीं रखा, कर दिया मेरे ऊपर कुछ उसने। अरे तो लंगोट बदल देना उसकी। भाई कुछ और भी क्या है ना, समझा करो ना अम्मा, मैं सारा दाम मेरे ऊपर डाल देते तुम लोग। अरे अरे आ रही हूँ आ रही हूँ। हाँ जल्दी आओ। आ रही हूँ। देखिए तेरे भी बहन भाई हैं, ये छोटे मोटे काम तो तू भी कर सकती है ना। भाई मुझसे ये गुमूत वाला काम मत कराया करो, जाओ ना जल्दी जाओ जाओ। बड़े दिमाग सड़ गए तेरे, सारे कसबल निकाल दूंगी तेरे में, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, कमी नहीं कहीं की।
सब्जी वाले भाई, ये 1 किलो पालक तो देना। देरी हो गई मनुज, कहाँ है तू? अच्छा आना। क्या मनुज? एक तो तेरी अम्मा तेरा पीछा नहीं छोड़ती। सो जा, नहीं तो लगाऊंगी। सो जा। सलाम अलैकुम। सो क्यों जा? अरे भैया, थक गया आज तो। अब चुप करा इसको भाई। चुप तो करा रही हूँ, कुछ छुटकियाँ थोड़ी ले रही हूँ। कुछ से नहीं समझते बच्चे, जा किसी को थमा के इसको छोड़ के जा रहा। सारा दिन दुकान पे मरो, औरतों की तरह तरह की बकवास सुनो, थक के घर आओ तो ये बच्चों की राग राग नहीं है। अब वहाँ है, बच्चे तो संभाल लिया कर। खून निचोड़ लिया है तुम्हारे 9 पिल्लों ने मेरा, इस पर आके तुम मुझे बातें सुनाते हो, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? ज़्यादा बकवास ना करियो, रैप्टा लगा के थोबड़ा हाथ पे रख दूंगा। हाँ, वो मौलाना आते हैं ना दुकान पे, उन्होंने आज तजवीज किया नाम छोटे के लिए कुद्दूस, कह रहे थे उसके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। मैं नहीं रखूंगी। अकल घास चले गई थी, नहीं रखूंगी? 4 महीने का हो गया, अभी नाम नहीं रखेगी तो बेनाम रहेगा सारी जिंदगी। वैसे मैंने एक नाम सोचा है। हुमायूं कैसा है? हुमायूं ये वो टीवी वाले हुमायूं सईद के नाम पर रख रही है ना हुमायूं। मैं भी कहूं दीदे फाड़ फाड़ के उसका ड्रामा क्यों देखती है? 9 बच्चों के बाद भी ना तुम्हारी शक वाली आदत नहीं गई। बस मैंने कह दिया है हुमायूं ही रखूंगी। मैंने कह दिया हुमायूं रखूंगी, तू रख ले, तू काम समा दूंगा हाथ में, हुमायूं रखूंगा। खाने निकाल के लिए, खाना निकालो, तुम्हारे बच्चे पालो और तुम भी हाथ बटाया करो अपने बच्चे पालने में, समझे? अकेली नहीं लाई हूं इन्हें दुनिया में, तुम भी पूरे पूरे जिम्मेदार हो इसके। जिम्मेदार हूं तो कमा के लाता हूं ना, साधन मरता हूं दुकान पे, अब घर पे जिम्मेदार बर्तन मांजा करूं क्या तेरे से बैठ के? जिम्मेदारी संभाल हुमायूं।
क्या हाल है बबलू? बस जी दुआएं आपकी। ये जरा ये देखें आंध भाई। वाह भाई बबलू, टीवी तो जरा बड़ा नया है भाई। क्या रिजल्ट है, आहा ऐसा चिकना रिजल्ट है ना, मजा ही आ जाता है। बाबे बबलू, हां मसला क्या है? वैसे बात सुनी, ये आजकल इंग्लिश चैनल क्यों नहीं आ रहे? ओ यार ये जो मोहल्ले के बाबे हैं ना, इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ था। खुद सब कुछ देखते हैं, चाहते हैं दूसरा कोई ना देखे। इनको ये भी पता होता है कि आधी रात को कौन से चैनल पर कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, गर्म मसाले वाला। मैंने इनकी बकबक से तंग आकर ना सारे चैनल ही ब्लॉक कर दिए। यार ये बड़ा तुम। अच्छा हुआ क्या है, इसको बता ना। पता नहीं क्या मसला है, केबल वेबल का कुछ मसला है, कुछ क्लियर नहीं आ रहे चैनल ज्यादा। बबलू वो इनको कौन है, वो सितारे वाला चैनल खराब आ रहा है। अच्छा खराब आ रहा है, अब तो फैमिली वाला चैनल ही कोई नहीं रहा। नहीं वो ना स्क्रीन पे दाने दाने से आ रहे हैं और कभी कभी रंग भी उड़ जाते हैं, ना हीरोइन की साड़ियों का पता चलता है ना मेकअप का। तुम अंदर तो जाओ, जाओ ना। वाह भाई बबलू, खुद तो अंग्रेजी चैनल देखते हो और घर वालों पर इतनी सख्ती। ओ खैर है खैर है खैर है, लगता है मुझे बबलू के कोई केबल शेबल का फॉल्ट है। तो यार अबे केबल का मसला था, तेरी खैर हो जाए। ये क्या यार हो गया, मैं क्या करूं। टारगेट देख के चैनल यकीन करें, खैर मसला नहीं है, गुसल खाने मैं अंदर लेके आ जाऊंगी, अंदर लेके जा रहा हूं। अम्मा वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं फूल वाली कमीज में। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो पारो। एक बात तो बताओ। पूछिए। ये तमाम बच्चे तुम्हारे इकलौते बाकी नहीं देखते? क्या मतलब? मतलब ये कि टीवी देखते तो उन्हें इतनी फुर्सत ना होती। मैं समझी नहीं। तुम्हें भी समझ नहीं आया? क्यों नहीं खा रही है? खा ले ना चिप्स। अच्छा मैं खा लूं। पता नहीं क्यों नहीं खा रही, क्या अच्छे नहीं लग रहे हैं? फाखरा फाखरा क्या है, जल्दी बोल। आज वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। कहाँ से आ रही हो? बुड्ढे के साथ गई थी? अब उसे बुड्ढा तो नहीं, इतना भी बुड्ढा नहीं है। तू तो कह थी कई बच्चों का बाप है। मर्द और घोड़े कभी बुड्ढे हुए? ये तो औरतें ही होती हैं, 30 के बाद से हाँपना शुरू कर देती हैं, रह जाती हैं बेचारियां। पता नहीं तू कैसी बातें करती है। पता है वो नंदनी और तुलसी ना, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बन रही आजकल। मैं तो समझ रही थी कि तुलसी को जर्फ दिखाएगी, पर अभी तक तो नंदनी बड़ापन दिखा रही है। वैसे री माई, मुझे तेरे ड्रामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वो कुमकुम है ना, वो पिछले दिनों पाकिस्तान आई हुई थी ड्रामे की शूटिंग कराने, सुना है उसने पाकिस्तानी अदाकारों को मुंह ही नहीं लगाया। अच्छा री मैं जा रही हूँ। रुको ना मेरी बात तो सुनो। अच्छा आ तुझे एक चीज भी दिखाती हूँ। अच्छा रुक 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 आती हूँ। ना ना चिप्स तो दे। क्या म्यूजिक कैसा है? खुशबू लगा के देखना। अच्छी खुशबू है, जासमीन होगा, चमेली की लग रही है। तेरे बुड्ढे ने दी है? मिलवाऊंगी तुझे कभी उससे, ठीक है? अच्छा तेरा बुड्ढा है बड़ा दिल वाला, क्या कहता है शादी करेगा तुझसे? नीलोफर ये इश्क मोहब्बत दिल लगी शादी की नियत से थोड़ी की जाती है, इससे तो पहले भी बहुत कुछ होता है। खैर तेरी समझ में नहीं आएगा, मैं तो उसी की तलाश में हूँ, तेरे अभी समझने के दिन नहीं आए। अच्छा फाखरा रुक ना, ये तो ले सुनो, वो तुमने वो ऊपर वाला लड़का देखा है फ्लैट में जो आया है, केबल लगाता है? हाँ जिसके माथे पे बाल पड़े रहते हैं ना, और जिसके गालों में खड्डे पड़ते हैं बिल्कुल निशो की तरह। ये निशो कौन है? मुझे नहीं पता ये निशो पिशो। इसके गालों में तो बिल्कुल शाहरुख जैसे गड्ढे पड़ते हैं। क्या चक्कर है? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, रहने दे रहने दे।
पक्की बात? हाँ हाँ बिल्कुल पक्की बात है, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे कर तू ये अपनी माँ को दे दे मेरी तरफ से, कहना नहा धो के बहुत अच्छी तरह से लगाए, चमेली की खुशबू मुझसे तो बिल्कुल नहीं लगाई जाती, लुलटने लगता है मेरा तो। वैसे तेरी ये माँ हम दोनों की दोस्ती से इतनी जली कटी क्यों रहती है? नहीं तो बात सुन, वो तेरा बुढ़ा नाराज नहीं होगा अगर तू ये नहीं लगाएगी तो? नीलोफर, मैं किसी को इतना सर पे नहीं चढ़ाती, समझ में आई बात? और उसको कहना इस तरह अच्छी तरह तैयार होके लगा ले, शायद तेरा कोई मुन्ना मुन्नी भाई आ ही जाए। अरे बेहूदा बातें मत क्या करो। अच्छा सर मैं चलती हूँ, माँ को दे देना याद से। शुक्रिया। मैंने तो खाए भी नहीं थे। चल चल। कुमकुम से कुमकुम से, कुमकुम से। ठंडा, चलाओ इसको, इधर आ। रिश्तों में है सच है ना कुमकुम से। क्या हो रहा? क्या हो रहा यहाँ? कहाँ से आए? वो अब्बा, वो मेरी दोस्त है ना, मेरी सहेली फाखरा, उसने दिया है, कह रही थी कि वो अपनी अम्मा को दे देना। कसम से अब्बा, मैं सच कह रही हूँ, ये अल्लाह पाक की कसम उसी ने दिया है। वापस करके आओ, उसे कहना ऐसी चीजें सहेली वो बांटने की नहीं होती, संभाल के रखे। जा जी जी अच्छा। ए सुन ठीक से, ये लो मेरी बोतल रख दी है, एक और ले लेना। निवाले निगला मत कर, चबा चबा कर खाया कर। अभी एक मुंह में होता नहीं है कि दूसरा मुंह में रख लेती है, पूरी फुप्पियों पर गई है अपनी। उनकी भी भाई बड़ी गैर इंसानी खुराकें थी। अम्मा मेरे खाने में नजर मत लगाया करो। और मैं तो कहती हूँ लगे तेरे खाने पे नज़र, अच्छा है 15-20 किलो तेरा वजन कम हो। खाना खा खा के आराम कर करके ये तूने गद बना ली अपनी। क्या बात है, आज इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रही है? हरी मिर्च चबा ली क्या? अब मुझसे नहीं पलते ये नौ नौ बच्चे। बस मैंने कह दिया काम करने वाली रख के दो मुझे। बढ़िया लाए भाई, काम करने वाली ला दो। हैं चर्बी चढ़ रही आंखों में, काम करने वाली रख के दो। अरे तुम्हें संभालने पड़े ना तो पता चले कितनी बड़ी बड़ी जोंके हैं ये। एक का लंगोट बदलो तो दूसरे का पैजामा गीला हो जाता है, ऊपर से झाड़ू भी मैं करूं, पोछा भी मैं दूं, एक अकेली जान और इतने सारे काम। दिल चाहता है खुदाई कसम कुछ खा के ना सो जाऊं। तुम रोटी खा कर सो जाए पागल, जान छूटे मेरी इन बलाओं से। अम्मा अम्मा बोटी दे दे। अरे मेरी बोटी खा ले तू। अम्मा अम्मा बोटी दो, गजब खुदा का, एक किलो गोश्त कभी इतने सारे लश्कर पूरा पड़ सकता है कभी? ऊपर से तुम्हारे नखरे नहीं जी, गोश्त तो भुना हुआ होना चाहिए, शोरबे वाला हलक से नहीं उतरता है। तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर कर के मैं तो मर जाऊंगी। अबे तो चिड़चिड़ क्यों करती है, इसे कहा करना, ऊंट की ऊंट बल्कि हजनी की बच्ची हो गई, इसे काम लिया कर। अब्बा वो झाड़ू तो मैं ही लगाती हूँ। झाड़ू खाक लगाती है झाड़ू, हिला जुला तो जाता है नहीं इससे, बस बेदली से दो चार हाथ यूं यूं मार देती है, और वो भी जब इसका मूड हो तो। अब इतनी बातें करने की क्या जरूरत है, नौ ही तो है बच्चा, हमारी अम्मा भी थोड़ी 14 बच्चे पाले उन्होंने। ठीक ही कहते हैं टीवी अखबार वाले, बच्चे दो ही अच्छे। मैं कब कह रहा हूँ ठीक नहीं कहते, वाकई बच्चे तो दो ही अच्छे, इन नौ में से दो भी अच्छे हो जाए बड़ी बात। अरे तुम्हारी अम्मा भी की 14 औलादों में से तो एक भी अच्छा नहीं निकला। ओ जलील बेगैरत, तुझ में क्या गोश्त की कमी हो गई है जो तू उस बेचारे की बोटियों पे हाथ साफ कर रहा है? वैसे ही चुआसा है वो। बात सुनो भाई, वो ऊपर वाला लड़का इधर के बड़े चक्कर लगा रहा, कल मैं घर में घुस रहा था, निकल गया था, चिड़ू मिला मुझे। अरे हाँ वो केबल खराब आ रहा था ना, तो बच्चों ने बुला लिया होगा, केबल ऑपरेटर है वो, अब आना जाना तो लगा ही रहेगा उसका। ध्यान रखा कर, जवान लड़का है, अब ये भी हथरी की बच्ची, अब बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है, ख्याल रखा कर। अभी इंटर का क्या इरादा है?
वो अबा वो तीन बार लुढ़क चुकी है ये इंटर में, इससे नहीं होने का इंटर फिंटर। कुछ बच्चे जो होते हैं ना पैदाइशी कूड़ मगज होते हैं, और ये भी उनमें से एक ही है। इसे तो बस सारे दिन फिल्में दे दो, टीवी दे दो, केबल दे दो, इन्हीं बातों में इसका दिल लगा रहता है। और उसको क्या कह रही है, तेरी तरबियत खराब है, 9 बच्चे नहीं पलते। हाँ हमारी अम्मा ने 14 औलादें पाली, 14। नीलोफर उठ जा यहाँ से, उठ जा नहीं तो गिलास तेरे सर पे मार दूंगी। अम्मा खाना तो खाने दो, चल उठ यहाँ से। जा रही हूँ, खाना मत खाने देना। आपा आपा जरा जो बच गया ना यहाँ डाल जाओ। अब तू मोटे सब कैसे का खा जाता कमबख्त। वाह बिल्कुल मर्दों वाली खुराक है इसकी, चार चार रोटियां खा लेती है और मुझसे तो दो भी नहीं खाई जाती। वाह वैसे नजर बच्चों के खाने को ना लगाया कर, तू मेरी मरहूमा बेवा बहन को भी तूने नजर लगाई थी, हैदे से मरी बेचारी। तो किसने कहा था उनसे कि 3 दिन की बासी कड़ी और चावल खा ले। अब वैसे बुरा मत मानना, हौका भी बहुत था आपा बिल्कीस को खाने का। अच्छा वो सुनो, वो सलीमा आप आई थी, सफदर और नीलोफर के रिश्ते की बात कर रही थी। ऐसी तैसी तुम्हारी आपा की, नीलोफर और सफदर के रिश्ते की। तुम्हारा ख्याल बेटी को मैं मेरा आशियों में बहाऊंगा, अपने खानदान में बहाऊंगा, एक से एक लड़का पड़ा। जरा अपने खानदान के अच्छे लड़कों का नाम मुझे भी तो बताओ। वोटर लिस्ट ला के दिखाऊं तुझे क्या? वो आपा खुर्शीद का बेटा सादुल्ला नहीं है? अपना कारोबार है टंडो आजम में, कितनी जमीन है और क्या चाहिए? आई उस सांड से करोगे मेरी नीलोफर की शादी? तौबा तौबा, अरे तुम बाप हो या कसाई? अल्लाह काला तवा है वो। अबे तवे को क्या करेगी तू हैं? बेवकूफ औरत, मर्द की कमाई देखी जाती है सूरत नहीं। अच्छा खासा कमाता है, राज करेगी तेरी बेटी, राज जैसे तू कर रही है, लेकिन बातें बहुत बनाती, मान के नहीं देना कभी। ये ले। शुक्रिया। अल्लाह तुमने पार्वती का विधवा होने के बाद मेकअप देखा, कितना अच्छा लग रहा था। पता है मेरी खाला बिल्कीस है ना, उनको ओम भैया इतने पसंद थे कि ओम भैया जब मरे ना तो उसके बाद तो उन्होंने कहानी घर घर की देखना ही छोड़ दिया। मुझे तो लगता है उन्होंने 3 दिन का शोक मनाया होगा। इतना शोक तो तेरी खाला तेरे खालू के मरने पर भी नहीं मनाएगी। अच्छा छोड़, वैसे मुझे ये ना च्युइंगम की तरह लंबे होते जाते चलते जाते चलते जाते ड्रामे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो बस 13 किस्तों वाले ड्रामे बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे हम ड्रामों की बातें क्यों कर रहे हैं, ये बता तेरी जिंदगी का ड्रामा कैसा जा रहा है बन्नो? मैंने उसको अक्सर तेरे घर से निकलते हुए देखा है। क्या बात है, बैठ। कैसा ड्रामा? वही केबल ऑपरेटर के गालों पे पड़ने वाले भंवर में उलझकर गिर पड़ी है ना तू। मरता है मुझ पे, जान छिड़कने लगा है। रहने दे, इन लड़कों और कव्वों का कोई भरोसा नहीं, जहाँ टुकड़ा नजर आया वहीं पे चोंच मारना शुरू कर दे। कोई नहीं, वो ऐसा थोड़ी है। ये तेरी जैसी लड़कियाँ होती हैं जो ऐसे लड़कों को सरों पे बिठा लेती हैं और वो अपने आप को शाहरुख खान समझना शुरू कर देते हैं। फखरा तुझे तो पता नहीं क्या खुदा वास्ते का बैर है लड़कों से, इतने अच्छे तो होते हैं बेचारे लड़के। जरा सोच अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं होते तो तेरे और मेरे अब्बा जैसे खड़ूस बुड्ढे होते बस। फखरा वो तेरी अम्मा हैदराबाद जाने वाली है ना अपने भाई से मिलने। हाँ ना, अब यही देख इधर बीमारी से उठी नहीं है, उधर भैया की याद सताने लगी। और तेरा अब्बा तो आधी रात को घर आता है। हाँ ना, फिर तो तू सारा दिन घर में अकेली रहेगी ना। अच्छा तो फिक्र ना कर, मैं तेरे पास आ जाया करूँगी। फखरा वो अपने घर में मेरी और हामिद की मुलाकात करा देना। दफा
कपूर, मैं समझ रही थी मरने जोगी कि ये मेरी तन्हाई के गम में परेशान हो रही है। मुझे क्या पता था खुद गर्ज कहेंगी। आखरा मिला देना। नहीं, हरगिज़ नहीं। दोस्त नहीं है मेरी। अच्छा चल ठीक है, अपने उस केबल ऑपरेटर को कहना जो मैं रात को शाम को आ जाए घर पे, लेकिन अब रोज रोज का तमाशा ना बना लेना। वैसे भी अगर कोई पीछे से आ जाए तो। अल्लाह फाखरा, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तू ना मुसीबत के वक्त में काम आने वाली सहेली है। हाय, तो कितनी मतलबी है। कौन सी जरूरी बातें हो रही थी जो अंदर से कुंडियां लग गईं? वो सलाम अलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। कमर तख्ता हो गई है रोटी पकाते पकाते मेरी, जा जाके कपड़े धो, पता नहीं कब से यूं ही पड़े, तुझे तो होश ही नहीं है कोई। और ये काम करके ना जरा मेरे सर देख देना, ऐसा लगता है पता नहीं जुए मोटी मोटी रिंग रही हो मेरे सर में। मैं चलती हूँ खाला, फिर आऊंगी। हाँ जाओ, और तुम्हारी प्लेट निकाल देंगे समझी, हम क्या करेंगे तुम्हारी किनारे टूटी प्लेट रख के। और अपनी अम्मा से कह देना कि किनारे टूटी प्लेटों में से चटके हुए बर्तनों में खाना पीना मकरूह होता है, और मेरी बात पे यकीन ना आए ना तो किसी मौलवी से पूछवा लो। खबीस। और चल रही तू काम करके मेरी जुए देख, ऐसी बेचैनी हो रही है मैं। क्या हो गया, क्या बात है? अल्लाह, इतनी बदबू आ रही है ये फाखरा की अम्मा के बुरखे में से, बिल्कुल लहसुन और अंडे जैसी, तो उल्टी आ रही है। वो तो शहजादी है, उतार दो इसको। हाय अल्लाह, किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा मेरे अलावा, या चंद बतखे हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ हाँ, उतार लो। है भी ऐसा सड़ावा गंदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं क्या सोने हो, रात तरबूज में सोते रहे हो, अच्छी लग रही हो तुम, बहुत ही प्यारी लग रही है। हाय अल्लाह हामिद, मेरा हाथ छोड़ो, कैसा पत्थर जैसा हाथ है तुम्हारा। क्या मतलब, ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ा पकड़ा है मैंने। बड़े छिछोरे हो तुम। अच्छा नाराज क्यों हो रहे हो लड़कियों की तरह, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा तुम्हारे अब्बा से बात करूं? हाय अल्लाह, ऐसा गजब मत करना, तुम्हें क्या पता नहीं है मेरे अम्मा अब्बा कितने पुराने ख्यालात के मालिक हैं। खुद भी तो काफी पुराने हैं। वो देख लेना, अब्बा छूटते ही सबसे पहले तो ये कहेंगे कि केबल की कमाई नाजायज है। असल में बात ये कि मेरे अब्बा जो है ना, वो मेरे फूफीजाद भाई सादुल्ला से मेरी शादी करना चाहते हैं, टंडू आदम में रहता है वो। अब भला देखो उस जगह का नाम ही कैसा है, टंडू आदम, खुद भी वो वैसा ही है टंडू आदम। और अभी तो 2 महीने बाद ना मेरी नाक से बोलने वाली पुप्पो नाजिल होने वाली है। पता है वो इतना ज़्यादा नाक से बोलती हैं, खैर नाक से तो मैं भी बोलती हूँ, पर वो तो इतना ज़्यादा नाक से बोलती हैं कि खुद उनकी समझ में नहीं आता कि क्या कह रही हैं। चलो दफ़ा करो। सुनो, तुम क्या बस मुझे बातों पे ही टरखाओगे, पता नहीं पिलाओगे? क्यों नहीं शहजादी, छोटे अब तो काफ़ी बड़ा हो गया ये, एक लाओ। नहीं एक नहीं, मैंने 2 पीनी है। पहले एक तो पी लो, 2 बर्गर लाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? तुम्हारी बातों से ना मेरी भूख मर गई है। ओए तू तो चल, क्या कान लगा के बातें सुन रहा है, जल्दी ले गया बदतमीज। अच्छा पता है मेरे साथ ये बड़ा मसला है, मुझे ना परेशानी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जब मेरे इम्तिहान होते हैं ना तब तो अम्मा 5-6 शेर आटा ऊपर से डाल लेती है सिर्फ मेरे लिए। ऐसे वक्त में ना मुझे ये तुम्हारी बातें ना जहर लग रही हैं। अच्छा चलो नहीं बोलती कुछ। बड़ी देर कर दी इसने ऑर्डर लाने में, है ना। भाग चलना मेरे साथ, तू बोले ना तो अभी भाग चलते हैं शेखुपुरे।
मेरी माँ तुझे बड़े प्यार से रखेगी। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम इससे पहले भी और लड़कियां भगा के ले गए हो? पागल हो गई हो? लो भाई ऑर्डर आ गया, आ गया, आ गया। लो भाई। ना ना इधर मुझे दे दो। हाँ ये। सुनो मुझे पीर से जुमेरात तक भी भागने का मत बोलना। क्यों? पीर साहब ने मना किया? अरे नहीं, वो मेरे ड्रामे आते हैं ना। है वो कुमकुम और वो कहीं तो होगा तो मैं नहीं देखती, पर मैं बाकी ड्रामे और बहुत देखती हूँ। मुझे कुमकुम वाली हीरोइन है ना, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, बिल्कुल आदमी जैसी शक्ल है उसकी। और वो जो कहीं तो होगा मैं जो नया सूजल है ना, बिल्कुल फीके शलजम जैसी शक्ल है उसकी। मैं सिर्फ कहानी घर घर की और सास भी कभी बहू थी बस ये देखती हूँ। पता है अब्बा का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उनको देखने थोड़ी गई थी अपने ड्रामों की वजह से, सिर्फ मैं तस्बीह पढ़ लिया करती ड्रामों के आगे। नीलोफर तुझे पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी केबल पर से तेरे ना ये जो सितारे वाला चैनल है ना इसको मिटा दूं। हयला बकवास ना करो, शुक्र है हमारे बंसोड़ में फिर भी सितारे वाला चैनल आ रहा है। मैंने तो सुना और इलाकों में लालू के नाजवाब में कहीं भी नहीं आ रहा है। ये देखो घंटा भी खत्म हो गई। सुनो मुझे घंटा मंगा दो और वो जो वो लड़का आया था ना उससे कहो मुझे तली हुई मछली ला दे। कसम से ये बर्गर बिल्कुल ही मजे का नहीं था, बहुत ही बकवास था। क्या हुआ? मुझे ना खा जाना। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा था। अभी मंगवाता हूँ। छोटे छोटी सी मछली लाओ और एक लाओ। चम्मा आती थी, चम्मा ही आ रही थी। गिची 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 गिची। चलो सो जा मत रो, ऐसे चलो चलो। क्या हो गया, सोता क्यों नहीं है? चलो सो जाओ। जैसा तुम मेरे लिए चाहते थे और नई जिंदगी के पहले कदम में मेरा अपना दोस्त मेरे साथ नहीं। क्या कह रही थी जद्दू को? कुछ नहीं अब्बा, कुछ भी तो नहीं कह रही थी। इतनी गंदी जुबान कहां से सीखी तूने? तैया ए तैया, आज क्या आफत आ गई? अरे क्या आफत आ गई, क्यों इतनी ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हो? मेरा हुमायूं सहम गया। कौन हुमायूं? अरे वो नया वाला, यानी तुमको तुमसे कहा था हुमायूं नाम रखूंगी उसका। अरे तो तू, अरे हुमायूं सईद थोड़ी रखा है, हुमायूं है। उससे तो निपटूंगा मैं बाद में, पहले इसके करतूत सुन ले। क्यों, इसने क्या कर लिया? जद्दू को पता क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? अरे पैदा कर करके हम पे छोड़ दी। ये बेहूदी बातें ये मुझसे करती है। बात ये सारा इस केबल का कसूर है। इस केबल ने बिगाड़ा सब सालों में। देखा कौन देखता है? अब बेहूदी सारे बात। अब केबल ही हटाना, अब घर की सारी रौनक चली जाएगी। घर में तो और कुछ है ही नहीं देखने को। अब ऐसा नहीं करना अब्बा। अबे चूर हो सब फैला रही, चल चल दे अब्बा, चल चल सुमारी। अब मुझे तालीम और तरबियत का भाषण तो देना मत ही। ये जो तुम्हारे नौ पाल रही हूँ ना, यही बहुत बड़ा एहसान है मेरा तुम पर। बता रही हूँ, बता रही हूँ, ये तेरे हाथ से निकल रही है।
लगा रही हूँ फोन आपको, अभी से मैं घर में बिठा के नहीं रख सकता। तो खुदा का कह रही है पैदा कर करके हमारी हम पे छोड़ दिए, हमारी हमारे 14 बच्चे पैदा किए, 14 कितने हैं? हमने तो कभी ताने नहीं दिए उन्हें, शर्म है यार तेरी, सब खत्म होती जा रही है यहाँ से। अब ऐसे तुम्हारी अम्मा जिंदा होती ना तो मैं जरूर कहती, पता नहीं कैसे कैसे पैदा करके छोड़ दिए। बहुत घुटन, बहुत हफ्ते इस घर में, पता है हामिद भी बहुत परेशान है, वो मुझसे मिलने घर भी नहीं आ सकता। आजकल अब्बा जो सारा सारा दिन घर पे बैठे होते हैं, छोटी सी बात पर अब्बा ने टेबल हटवा दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं हामिद को ही याद करती हूँ या फिर उन ड्रामों को, क्योंकि इतनी सारी किस्से निकल गई और मैं देख नहीं पाई। पता नहीं अब ओम भैया के मरने के बाद पार्वती का क्या हाल हुआ, वो विधवा हो गई है ना, और तुलसी और नंदिनी की तबीयत खत्म हुई होगी या नहीं। इतना ज्यादा याद करती हूँ उतनी और मायूस हो जाती है। ओ नीलोफर, मेरी हो गई मनुष, कहाँ है तू? आ रही हूँ, कोई मर नहीं गई हूँ। देखा आपने, ये है पंच रोड की नीलोफर की जिंदगी, एकदम बकवास, बिल्कुल एक जैसी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वरना अम्मा है ना चीख चीख के आसमान सर पे उठा लेगी। आई मनहूस, ये कैसी जली कटी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां उतारी हैं तूने, बस शक्ल सी, काम करते तो मौत आती है तुझे, और मुंह देख कैसा फूला हुआ तरबूज की तरह तेरा, कौन मर गया, किसका शौक मना रही है तू? नहीं तो क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या बंदर की तरह गुलाटियां खाऊं? और बात सुन लो अम्मा, मुझसे ये तोस अंडे का नाश्ता रोज रोज नहीं होता है, आधा दिन गुजरता है कि मेरे पेट में से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। मुझे तो बस कुलचे निहारी मंगा दिया करो या फिर मलाई पराठा, मुझसे नहीं खाया जाता ये सब। टुन टुन हो जाएगी तू, समझी? और बात सुन, ये कुलचे और पराठों का शौक ना कुंवारी लड़कियों पर अच्छा नहीं लगता, इन्हें नहीं पालना चाहिए। एक दफा तेरी शादी हो जाए ना, बस जो दिल में आए तेरा खाना ठूसना। अरे शादी से पहले मैं ऐसी दुबली पतली थी, ये छल्ला सी कमर थी मेरी। अम्मा अब इतना झूठ मत बोलो, शादी से पहले कि मैंने देखी है तुम्हारी तस्वीरें, मुझसे तो ज्यादा मोटी थी तुम, और वो जो तुम वो छोटी छोटी असीनी कमीजें पहना करती थी ना, उसमें इतने मोटे मोटे तुम्हारे बाजू नजर आते थे। चल ज्यादा बेहूदगी ना कर, अच्छा काम में दिल नहीं लगता है, कल को शादी हो जाएगी ना तेरी तो सास ने गालियां देंगी तुझे, कुड़पन का ताना देंगी। कोई नहीं, मैं तो ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ ये सास नंदों की पखराटी ना हो। हम नहीं करने की तेरी किसी यतीम यसीर से शादी। नीलोफर तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अल्लाह पाक की कसम कोई चक्कर वक्कर नहीं है, किसी से कोई चक्कर नहीं है। अल्लाह के वास्ते नीलोफर जल्दी काम में हाथ लगा, तेरा बाप आ जाएगा ना अभी, उसे आती भूखे लगनी शुरू हो जाती हैं, मुझसे नहीं सुनी जाती उसकी बकवास, से कुंभड़े कसाईयों की तरह चीखे मुझ पर। कुरान पाक में लिखा है कि क़यामत वाले रोज ऐबजोई और गीबत करने वाले लोगों के साथ यूं बड़े बड़े पत्थरों से कुचले जाएंगे। हाय हाय, बड़ा जुल्म हो रहा है बेचारी पे, बहुत जुल्म हो रहा है, तो ये सूख के कांटा हो रही है। खाविन की खामियां बयान करना ना गीबत नहीं होती है। तो क्या हो रहा? हकीकत होती है। ए तू गुलंदाम, अगर रोटियां ठीक से सेका कर, बीच में कच्ची रह जाती, निकली नहीं जाती। जी अब्बा। अच्छा वो आपा का फोन आया था, दिसंबर में आने का प्रोग्राम है, तो
मुंह फेर लिया। अभी बात सुनके उनका नाम सुनते ही ये मुंह फूल के कोप्पा की हो जाता है मजीद। देखो मैं कह देती हूँ ये तुम्हारी आपा ढापा को ना मैं अपने साथ कमरे में नहीं सुलाने की। तौबा है इस कदर खौफनाक मर्दाना कसम के खर्राटे लेती हैं ऐसा लगता है जैसे पहलवान कुश्तियां लड़ रहे हो। अल्लाह माफ करे अभी आने की सर खबर आई है और जलापा शुरू हो गया जल कुकड़ी। बड़ी हसदाना तबीयत है तेरी और सुन इस बार खादिम वजारत का ज्यादा ख्याल रखियो किसी खास मकसद से आ रही हो। अरे रोटी देख पांच सेट के आ रहा हूँ खाना खाने को। रोटी देख जल गई है राख हो गई है मेरे दिल की तरह। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों? वो पता नहीं तुम ये बताओ तुम इसे पैंपर क्यों नहीं पहनाती हो? अरे ज्यादा अम्मा मत बन मेरी अच्छा पैंपर से जल्द खराब हो जाती है जा ले जाना। मम्मा मैं नहीं ले जा रहा। ये आपा क्यों रो रही है? अबे ले जा रुको जा जा इसे मत कर सारा मुशीरे खास सवाल पूछने जा रहा तफ्तीश के जा रहा। अरे तभी मैं कहूं कि ये बार बार केबल में गड़बड़ क्यों हो जाती थी और मिनट मिनट भी उसको बुलाया जाता था वो और वो मर्दूद घुन्ना कमीना सिफला बार बार घर के चक्कर पे चक्कर मारता था। तौबा तौबा बिल्कुल तुम्हारी छोटी बहन शहनाज वाली स्टोरी है। बक बक बनकर शहनाज वाली कहानी है सब ये सब झील तूने दे रखी है तेरी तरबियत कर दिया सारा। आए हैं आई अल्लाह के वास्ते अब अपनी बहिश्ता नम्मा की मिसालें मत देने लगना। उस जैसी औरत तो अब पैदा होने की नहीं है। जानती हूँ तुम्हारी वालदा माजदा की तरबियत को बहुत अच्छी तरह से। तो, क्या जानती हो तू क्या जानती है वो? अब मुंह मत खुलवाओ मेरा। आई इसने तो फिर भी शराफत दिखा दी। वो तुम्हारी बहने उन्होंने तो लोगों के हंसते बसते घर उजाड़ दिए और वो तुम्हारी छोटी वाली शहनाज तौबा तौबा अरे वो तो सबसे ही ज्यादा छठी हुई थी अदाकार नदीम के पीछे। लो बताओ लाहौर भाग गई और बाद में कहने लगी नदीम को तो मैं अपना भाई समझती हूँ। लो बताओ अरे भाई के पीछे भी कोई कराची से लाहौर जावे है? तौबा 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 और जिसके अपने भाई हो साथ उसे क्या जरूरत पड़ी है कि भाई एक नया भाई तलाश करने निकल पड़ी। आई झूठी है मक्कारन। ये शहनाज का किस्सा कहां से निकाल दिया तूने? किसने बताया तुझे? आई गूंगी बहरी नहीं हूं तुम्हारे खानदान की औरतों में उठती बैठती हूँ। अभी तो बकवास अपनी बंद करिए कि नहीं हर बात में बकवास की चली जाती है बकवास की चली जाती है। बस दस्तर में भेजे या कोई शैतान का चरसा रखो। आई मैं तो सच्ची बात कहूं भले से किसी के कलेजे में आग लगे। उनको और तू इसको देख अपनी लाडली को देखो नहीं ना तूने कैसे मटक मटक उससे बातें कर रही थी अभी मटक रही थी जाहरी से बार बार आया। आई नीलोफर सारी दुनिया में तुझे यही मेरा सी नजर आया था शक्ल इसे हमारा लगता है कमबख्त कैसी रंगीन कमीजें इधर उधर पहने घूमता फिरता रहता है। तुमने आंखें देखी उसकी इतनी मोटी लाल लाल शराब तो जरूरी पीता होगा। शराब पीता होगा अब बड़ी तहकीक कर की तूने उसमें? इससे पूछ अपनी लाडली से कहां तक पहुंचाइए हमारी बदनामी इसने। अम्मा कसम ले लो किसी की भी मेरे से सिर्फ एक आध बार बात की है इससे ज्यादा और कोई बात नहीं हुई है अल्लाह पाक की कसम। नीलोफर तो उसके साथ कहीं गई तो नहीं थी उसके घर या कहीं बाहर?
नहीं अम्मा, मैं उसके साथ कहीं नहीं गई थी। मुझे तुम्हारी और अम्मा की इज्जत का बहुत पास है। हाँ मुझे पता है कितना पास है तुझे हमारी इज्जत का। देख बसेगा, हमें दुनिया के सारे धंधे छोड़ के तो इसके रखवाली पे बैठे हैं सर। अब फिर कहाँ तक पाबंदियाँ लगाएंगे इसमें? वो खुर्शीद आपा 2-3 बार मुँह से कर चुकी इसके साथ उल्ला के रिश्ते के लिए, फोन लगा रही हो ना, तू भी अपनी तैयारी कर ले बस। आया अरे कमबख्त चुप हो जा, क्या नाक में रोती है? रोने का सलीका भी नहीं आता इसको। मनोज कौन है यार? आ रहा हूँ यार, कौन है? अरे फखराबाजी। हाँ कह रहे तुम्हारी अम्मा और बहन। वो छोड़ो, तुम कितनी शरीफ लग रही हो दुपट्टा ओढ़ के। अच्छा बकवास नहीं करो। अच्छा क्या लाई हो? छोटी सी महफिल रखी हुई थी मिलाद के घर पे, तुम्हारी अम्मा और बहन को बड़े बुलावे भेजे लेकिन नहीं आई। अरे अम्मा और आपा का कहाँ रखता है इस तरह की महफिलों में दिल? वो दो गलियाँ छोड़ के, वो नहीं है गफूर चचा अब्बा के दोस्त, उनके वहाँ कोई फ्लैट के अंदर कोई नाच गाने का फंक्शन था, पूरी रात सर्दी में टिटरती रही हैं, लेकिन आई वही फजर के वक्त जब वो तम्बू अम्बू हटाने वाले आ गए। वो हमारी आपा जाने ना, वो तो हसन जहांगीर का ऑटोग्राफ भी लेकर आई है। सच? और नहीं तो क्या। और ये तुम क्यों इतने फैलते जा रहे हो? क्यों चर्बी चढ़ा रहे हो अपने ऊपर? भागते क्यों नहीं हो? किसके साथ भागूं? कोई तैयार ही नहीं है भागने को। तुम भागोगी? मारूंगी। अच्छा ना, नाराज क्यों हो रही हो? तुम तो बहन हो मेरी, तुम्हारे साथ वॉक पे भी नहीं जा सकता क्या? अच्छा जरा ये ट्रे तो ना, बड़े कपड़े वपड़े पहना के लाइए, इसमें देखूं तो है लहल वाला बोध। मुझे लगा लबालब भरी होगी, खोदा पहाड़। और तुम बंस रोड वाले ना बहुत ही कंजूस हो, यकीन करो बहुत कंजूस हो। एक वो खारा दर के अंदर ये बड़े बड़े खान आते हैं, कभी कभी तो खानों के साथ वो भी आ जाता है, वो मेन पूरी गुटका वगैरह। तुम लोगों ये क्या कंजूसियत यार, क्या ये? हाँ तुम्हारी हालत देख के पता चल रहा है कि तुम यही कुछ खाते हो गए, लेकिन तुम्हारी माँ और बहन को तो कभी ये भी भेजने की तौफीक नहीं हुई, ये तो हम ही हैं जो भेज देते हैं। अच्छा भाई लड़ो मत, ट्रे खाली करके लाके दे। लड़ा मत करो भाई, बहुत लड़ती हो तुम। मैं भी ख्वाम खा मैं पाली पीली। नीलूफर क्या हुआ तुझे? फाखरा वो अम्मा और अब्बा को सब कुछ पता चल गया मेरे और हामिद के बारे में। कहीं तूने ये तो नहीं बताया कि तेरी और उसकी मुलाकातें मेरे घर पे होती हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मुकर गई। चल अच्छा किया तूने। ये लो भाई, ये फाखरा बाजी, ये लो अपनी ट्रे। अच्छा भाई जलेबी जो थी वो बिल्कुल जली हुई थी, और छोले जो थे उसके अंदर प्याज ज़्यादा थी, और आलू के समोसे में आलू नहीं था। ये मैंने अम्मा कह रही हैं, ठीक है? बड़ी जली भुनी औरत है तेरी माँ। सुनो इसके सामने कुछ मत बोलना, ये साला बड़ा कुटना है, इधर उधर की बहुत लगाता है। तुम किसी दिन कोई बहाना करके घर आओ ना, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। आऊँगी ज़रूर आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं चलती हूँ, बाद में आऊँगी, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ। क्यों इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैं नहीं चाहता नीलोफर मेरी वजह से तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम हो। खुदा याद।
आओ ना। इतने अच्छे मौके पे आई। पता है अम्मा जो है ना वो अब्बा के साथ अपने पिल्लों को जोड़े दिलाने ले गई है। चल छोड़, वैसे भी आज मेरा मूड बड़ा खराब है। आज सुबह मैंने हामिद को देखा था सीढ़ियों पे बैठे हुए। सच? आगे भी तो सुन ना। वो ना बहुत उदास था, वो बिल्कुल निचड़ा हुआ लग रहा था। इतनी इतनी शेव बढ़ी हुई थी, बड़ा तरस आया मुझे उस बेचारे पे। वो ना फाखरा, उसने मुझे एक रुका लिखा था। है? कब? मैंने उसका जवाब लिखा है, तू उसे पहुंचा देगी। अल्लाह तेरा बड़ा एहसान होगा। ठीक है, पहुंचा दूंगी। अच्छा चल लिखा था, बन जाऊंगी तेरा कासिद, तेरा पोस्टमैन, पहुंचा दूंगी तेरा खत तेरे देवदास को। देखना तेरी नैया तो मेरे तो फैली पार उतरेगी। अच्छा चल बस, अब तू उसको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सा खत लिख, मैं खत पहुंचाती हूँ, कैसा है? इंशाल्लाह। देखना एक तो जुए इतनी ऊपर से सर में दर्द हो रहा है, शोर जो इतना मच रहा है। बबलू ओ कबखत बंद करिए, सारे दिन गाने सुनते रहते हैं, बंद कर टीवी को, कटवा दूंगी केबल। तू तो देख अच्छी तरह, ये सांड जैसी जुए ना तेरी फुप्पियों ने डाल दी मेरे सर में। इधर देख ना, वरना मेरे सर में तो एक जू भी नहीं थी। देख देख देख, भाग रही है, भाग रही है कनपट्टी से गुद्दी की तरफ, भाग रही है, पकड़ ले। मिली? तू चक्कर लगा रहे नहीं छोड़ेगा मेरा लड़का? हाँ बदमाश सिपले मरासी हैं, ये चक्कर लगा रहे था, तुझे पता है सारी उम्र के लिए जेल में छुड़वा कर दूंगा। चाचा जी वर्गलाने वाले पर अलग ही लाना, तो जी मैं तो ब्याह करना चाहता हूँ नीलोफर से। जी तू ब्याह करना चाहता है? और तेरे ख्याल में मैं अपनी बेटी को एक मिराशी से एक नाजायज गंदी दवाई खाने वाली से ब्याह दूंगा? मैं वो छोड़ दूंगा जी, आप मुझ पर एक बार इतबाद करके देखें जी। मैं शेखुपुरे से माँ को ले आऊंगा जी, हम बाकायदा रिश्ता लेके आएंगे जी। जूते मां मार के खोपड़ी पिलपिली कर दूंगा तेरी मां को लेके आना वहां, और वो भी यही करिए लंगे सर अंदर। देखवा देखवा, अगर तूने मेरे घर के चक्कर लगाने न छोड़े या मेरी बेटी को कोई उल्टा सीधा इशारा किया तो कसम अल्लाह पाक की, कसम अल्लाह पाक की बोरी में जाएगा शेखुपुरे। तो भाई तेरा कत्ल तो वैसे ही वाजिब है। आप चाचा जी इत्मीनान से सोच लें जी, देख लें, बेटों से बढ़ के आपका साथ दूंगा जी। आप एक बार इत्माद करके देखें जी मुझ पर, देखे बंदे ही बंदे पर इत्माद करता है जी। इत्माद कर लूं? खानदानी लोग हैं यहाँ, अपनी बच्चियों को मिरासियों में नहीं बुलाते। एक बात तुझे बताया गया, कानून भी सुन रहे हो, इलाके का जो नाजिम है ना यार है मेरा, और तंजीम बिरह के जो तेरी केबिल काटी थी उन तक पहुंच मेरी। अबे नाम निशान बच जाएगा तू दुश्मन हो अपना। देख ले जी इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है इस उम्र में, वैसे भी दिल की रगें तंग हो जाती हैं इस उम्र में जी, मर्जी है जी आपकी। वैसे आपने वो मिसाल तो सुनी होगी चाचा जी कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। देख ले मेरी बात सुन ले, आप गौर से सोच लें। देखे आपकी बेटी तो बालक है, मैं भी बालक हूँ, दोनों को शादी से कोई नहीं रोक सकता, ना मदद ना कानून, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा हिस्सा है? अबे भेड़ किसी को जूता लाए मेरा।
जान से प्यारी नीलोफर, बहुत बेचैन बहुत बेकरार हूँ मैं, किसी काम में जी नहीं लगता। तुम क्या नज़रों से दूर हुई हो, लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। खुदा को आज़र नाज़र जान कर कहता हूँ, इतना अफसरदा तो मैं अब्बा जी की वफ़ात पर भी नहीं हुआ था। हाय बेचारा हामिद। क्या अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे? जब भी ये सवाल मैं खुद से करता हूँ मेरी सांस रुकने लगती है। कल तुम्हारे अब्बा से मेरा रास्ते में टकराव हो गया था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उन्होंने मुझे गालियाँ बकी। देखो नीलोफर, तुम्हारे अब्बा के तेवर बड़े ख़तरनाक हैं, अब तुम्हें फौरी तौर पर कोई कदम उठाना होगा। वैसे नीलोफर, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ भाग भी सकती हो, जो कि तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम ये अपना वादा भूलना मत। मैं इस वादे की आस में तो जी रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, फकत तुम्हारा हामिद चीमा। मेरी जान से प्यारे हामिद, मुझे क्या पता था हामिद कि तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमबख्त चीज़ है। उसने तो मेरे दिल से वो सितारे वाले चैनल की याद ही भुला दी। कल अखबार का एक टुकड़ा हाथ आ गया था जिसमें लिखा था कि आखिर इस सितारे वाले चैनल का तोड़ क्या है, लोगों को कैसे उसके चुंगल से आज़ाद किया जाए। जाओ हामिद, दुनिया को मेरा ये पैगाम दे दो, मोहब्बत है उस सितारे वाले चैनल का वाहिद तोड़। ओहो, ये इंक ख़त्म हो रही है पेन की, इसलिए इजाज़त। सिर्फ तुम्हारी नीलोफर। नीलोफर, नीलोफर, गजब हो गया। देख, तेरा बाप तो आज मेरी जान ही निकाल देगा। क्या हुआ अम्मा? क्या अब्बा को पता चल गया? मेरी दो सोने की चूड़ियाँ ना अलमारी की तरह से गायब। सोचा था पॉलिश करा लूँगी, हसीना आपा की लड़की की शादी में पहन लूँगी, मगर उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। अम्मा, दुरूद शरीफ पढ़ने से मिल जाती है। अच्छा, जल्दी से ज़रा ढूंढ वाले मेरे साथ। क्या उधमबाजी है, क्या हो गया? खाला, अम्मी के सेदे आबी की खुशी में बिरयानी बनवाई थी, बड़ी चटपटी है, खा के देखो।
मेरे मेहमान तो टूटे पड़े थे। मैंने कहा इससे पहले कि ख़त्म हो जाए एक प्लेट तुम्हारे लिए लाई, जल्दी से प्लेट खाली करके दो बस मुझे। अस्सलाम अलैकुम। जी तो लो ये बिरयानी की प्लेट खाली करके लाओ। अरे वैसे तो तुम्हारी अम्मा बड़े कीड़े बीनती हैं दूसरों की बहू बेटियों में से, तुम बाहर निकलती हो तो नजर नहीं पड़ती उनकी तुम्हारे ऊपर। अरे बुरा मत मानना, ये जो तुम आगे चोटी डाले रहती हो ना बहुत जहर लगती है, अजीब बाजारीपन सा लगे। खाला नीलोफर कहाँ है? और ये तुम मुझे खाला किस खुशी में बोलती हो? तुम्हारी अम्मा ने अपने मुँह से 27 साल उम्र बताई है तुम्हारी मुझे। वही औरतों की तो आदत होती है उम्रों के मामले में डंडी मारने की, अपने मुंह से 27 कहें तो समझो कहीं जाके 35 या 36 से क्या ही कम होंगी। और मैं भी कोई जहां दीदा बुढ़िया नहीं हूं समझी, कोई खास फर्क नहीं होगा तुम में और मुझ में। अब अगर तुम नीलोफर जैसी छोटी छोटी लड़कियों से दोस्ती गांठो और अपने आप को नन्नी काके जाहिर करो तो बात अलग है भाई। और वैसे बीबी सुनो, ये जो बनाव सिंघार होता है ना ये उम्र शुम्र नहीं छुपाता है, चेहरा गीबत कर ही जाता है, चोली खाता है। तो खाला तुम भी कर लो। प्लेट से खुशबू की लपटें यूं आ रही थी कि हम तो बिरयानी चखे बगैर रह नहीं सके। अम्मा से कहना बहुत ही मजे की जायकेदार बिरयानी थी। अब अम्मा के हाथ चूमने मत चल देना तुम, बिरयानी अम्मा ने नहीं बावर्ची ने बनाई है समझे। अब भेजी तो उसी नेक बखत ने है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ खाला। और हाँ नीलोफर से कहना मेहमान चले गए तो तफसीली मुलाकात के लिए आऊंगी। हे नीलोफर, आज तेरा वो हीरो नीले कुर्ते में क्या जच रहा था। वैसे क्या फिट बैठेगी तुम दोनों की जोड़ी, अल्लाह पाक कसम। क्या मतलब? मतलब ये जब तुम दोनों कदम से कदम मिला के चलोगे ना लोगों के दिलों की धड़कनें यूं यूं होंगी यूं यूं। अब यही देख लो ना, लड़का अच्छा होता है तो लड़की यूं टेढ़ी मेढ़ी, और अगर बदकिस्मती से लड़की अच्छी मिल जाए तौबा तौबा तो लड़के की शक्ल देखकर लाहौल पढ़ने को दिल करता है। अरे वो भी तो खुशकिस्मत है, तेरे जैसी शहजादी मिली है उसको। सच्ची? और नहीं तो क्या। अच्छा ये बता वो तेरे बुढ़े का क्या हाल है? बुढ़ा तो सठिया गया है, कहता है मुझसे शादी कर लो मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा। अरे कमबख्त बड़े खबीस है। ऐसा वैसा पता है फाखरा, आजकल हामिद ने खत लिखना बंद कर दिया है। सच्ची बात बताऊं, उसकी अम्मा शेखुपुरा में बड़ी बीमार है, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, बेचारा बड़ा परेशान है। नहीं हाँ हाय अल्लाह करे हामिद की नींद अच्छी हो जाए। ये दफा और क्यों दुआ, शुक्र कर तेरी सास मर जाएगी राज करेगी राज, शादी से पहले सास का खात्मा। अस्सलाम वालेकुम। जी तेरो चाचा, अब्बा कह रहे थे कि आजकल तो आप दिखाई नहीं देते, कोई लिफ्ट ही नहीं कराते। भाई क्या बताएं, इतनी चकचक है हमारे कारोबार में। अच्छा अब्बा ने कही हो आज जरूर चक्कर लगाएंगे। जी अच्छा। हाय अल्लाह फाखरा, पता नहीं कैसे तू अब्बा का सामना कर लेती है, मेरा तो खून खुश्क हो जाता है अब्बा को देख के। रहने दे नीलोफर, तू तो बहुत ही डरपोक है, ऐसे बेचारे सीधे साधे से तो हैं तुम्हारे अब्बा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। नहीं ना बैठ, थोड़ी देर बैठ जा, मेरी सहेली नहीं है। हाँ आज जो उस बुढ़े से भी मिलना है ना मुझे, पता नहीं तू किन बुड्ढों उड्ढों के चक्कर में पड़ गई है। ए सच्ची बताऊँ, बुड्ढों ने करना कराना तो कुछ होता नहीं है, कुछ करने का तप्पड़ तो होता नहीं है इनमें। हम तो बस जाके आइसक्रीम और चाटे खाते हैं, ऐश करते हैं, और जब तक ऐश हैं करते रहेंगे। गलत कह रही हूँ सही? पता नहीं तू क्या बातें करती है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। हाँ तेरी समझ में तो सिर्फ नंदनी और कुमकुम के ड्रामे ही आते हैं। अरे तुमने पिछली किस्म कुमकुम की साड़ी देखी थी? हाय अल्लाह इतनी अच्छी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ। चल दफा जा तो बुला मुझे।
क्या तू मलका जज्बात बनी लोगों को अपना दर्शन करा रही है? नहीं तो क्या मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती इस घर में? तेरे बाप को ऑर्डर है कि तेरे ऊपर नजर रखूं, और ये फाखरा क्यों आ रही है यहाँ? मना कर इसको, अच्छा नहीं लगता जवान लड़की इस तरह दंदनाती फिरे, और यूं भी ये मर्दों का घर है। नहीं तो कौन है, कौन है यहाँ पे मर्द? सब तो ऐसे पिद्दे पिद्दे से है, ये मर्द कहाँ से आ गया? क्यों, तेरा बाप पिद्दा सा है? हाय अम्मा, अम्मा खुदा का खौफ खा, फाहरा घड़ी तो घड़ी मुझसे मिलने आ जाती है, उस पर भी तुझे एतराज है? किसी किसी गंदी गंदी बातें तू इल्जाम के तौर पे उस पर लगा रही? अम्मा मैं बता रही हूँ, अगर तूने उसका इस घर में आना बंद किया ना, मैं गले में फंदा डाल के खुदकुशी कर लूंगी। अच्छा है, हराम मौत मरेगी, खुदकुशी करने वालों की ना नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते मौलवियाँ। अम्मा अम्मा कभी तो मेरी तरफ एक और से देख लिया करो। हाय हाय, देखो तूने फिर भाभी बनवा ली। मेरी भावों की तरफ मत देखो। मना किया तो कुंवारी लड़कियों पे ये सब अच्छा नहीं लगता है। कभी तो मेरी तरफ भी गौर से देख लिया करो, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि मैं क्या चाहती हूँ। 15 बरस में माँ बनने वाली औरत मोहब्बत की आलमा नहीं होती, और मुझे तो वैसे भी ये बातें बुरी लगती हैं। अब्बा अब्बा तुम्हें बच्चों के अलगार ने बिल्कुल खाली कर दिया है, इतने बरस से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, पर तुमने आज तक नहीं समझा कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम आज तक मेरे करीब नहीं आई, तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा, माँ तेरे करीब नहीं आई तो तू गैर मर्दों के करीब होती चली जा रही है? मना कर दे उस सगी अपनी फाखरा को कि यहाँ ना आया कर, और देख अगर तूने उसे मना नहीं किया ना, मैं निकाल के बाहर करूंगी उसे, और मुझे नहीं अच्छा लगता उस आवारा का तेरे साथ इस तरह मिलना जुलना। और चल आके बावर्ची खाने में कबाबों का कीमा पीस सिर पर। नहीं यारी, मैं नहीं यारी, मैं कबाबों का कीमा पीसते, तू मनोटनों के हिसाब से मुझसे कीमा पीसवाती है, मेरे हाथ पत्थर के हो जाते हैं। फौरन आ जा, नहीं तो कीमे की जगह तुझे पीस के रख दूंगी। कोई क्यों नहीं समझता मेरी बात? अम्मा अम्मा तुम्हें तो बस अपने नए बच्चे से मोहब्बत होती है, बाकी सबको तुम पैदा करके भूल जाती हो नए बच्चे की मोहब्बत में। माएँ कैसी होती हैं, ऐसी होती है माएँ कि अपने सारे बच्चों को भूल जाए? हैं, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तूने, बेहुदा बेशरम बदतमीज। अच्छा मैं सब समझ गई, वो तेरी होती सोती फाखरा है ना, वो वरगला रही है तुझे। अरे कैसी हीरोइन बनी फिरती है, शक्ल से ही आवारा घुन्नी लगती है मुझे, अब आकर तो दिखाए यहाँ वो। हाँ कर दो मुझे, हवा का आखिरी रोशनदान भी बंद कर दो, सब बंद कर दो तू। और फिर हामिद के खतों का सिलसिला भी बंद हो गया।
कौन? तुम? इस वक्त अंदर आने का नहीं कहोगे? आज मैं बहुत बड़ा फैसला करके आई हूँ हामिद, बहुत बड़ा। रास्ता दो, अंदर तो आने दो। ऐसे क्या देख रहे हो? लगता है तुम बहुत गहरी नींद सो रहे थे। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम ना वापस चली जाओ। नहीं तो मैं वापस जाने के लिए थोड़ी आई हूँ। ये अब्बा ने कुछ जेवर बनवाए थे मेरी शादी के लिए। हम आज रात वाली गाड़ी से पंजाब चले जाते हैं तुम्हारी माँ के पास। अब तुमने उन्हें मेरा फोटो दिखाया था ना, और तुमने कहा था मैं उन्हें अच्छी बहुत लगी हूँ, वो मुझे फौरन अपनी बहू बना लेंगी। ये रख लो हामिद। पकड़ो ना, पकड़ो, रखो। ये मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। नीलोफर, मेरे बारे में कोई गलत राय कायम मत कर लेना। मैंने और हामिद ने ना दो रोज़ पहले ही कोर्ट में जाकर शादी कर ली। मुझे तो बस अब्बा की तरफ से डर था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम दो एक रोज़ में उसे भी बता देंगे। वैसे नीलोफर, मोहब्बत भी कितनी इत्तफाकी होती है ना। तेरे प्रेम पता लेकर जाते जाते पता नहीं कब मैं हामिद के गालों में पड़ने वाले खड्डों में खो गई। बस ना हामिद ने जोर लगाया ना मैंने, हामिद ने भी सोचा कि शायद नहीं बल्कि यकीनन मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। मैंने तुझे कितना कहा था नीलोफर कि मोहब्बत जिंदगी तुम्हारे सितारे वाले चैनल के ड्रामों की तरह नहीं होती, ये तो बस दो धारी तलवार होती है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, बस हाय यही कुछ है जिंदगी का कच्चा छट्टा तो। हाँ नीलोफर, हामिद ये पकड़, तेरी ना अमानत है मेरे पास। वैसे तो देख तेरे अब्बा ने छोटे मोटे कई तहाइफ दिए मुझे, लेकिन ये ज़रा ना भारी सौगात है। इतना कुछ छीना है तुझसे, इतना कुछ छीना है कि और कुछ छीने का यारा नहीं है मेरे में। रख ले, अपने अब्बा को वापस कर दे, रख रख लो। नीलोफर, अब ये मेरा शौहर है, तेरा महबूब नहीं। इसको ऐसी नजरों से नहीं देखा। और वैसे अगर आइंदा तुमने इससे मिलने की कोशिश की तो जा, अब चली जा। वैसे भी जिंदगी के जिस ड्रामे की तू हीरोइन थी उसको तो मैंने खड्डे लाइन लगा। चल अब रो, जा वापस घर जा। चल जाओ। Thank you.
अबे सामान रखो, बाहर निकालेंगे शोर कर। अबे चल, चलो बाहर भाई, चलो चलो बाहर। इसे भी लेके जा, कहाँ जा रहे हैं, इसको लेके जा। आई ले जा, जरा घुमा के लिया टहला के। अरे भाई अपने सर में दर्द हो गया, क्या बना के लिया, बुरका उतार, क्या बना। लौंडी हूँ तुम्हारी, चल चल कर तेल निकल गया मेरा, मर के आओ थक के आओ, फिर तुम्हारे लिए चाय चढ़ाओ, नीलोफर से कह देती हूँ। अबे भी नीलोफर से क्या, अब्बा के लिए चाय ले आए और मेरे लिए भी एक कप चाय ले आए। अरे वो तुम्हारी बहन कब आ रही है रसम के लिए? देखो मैं तो कहती हूँ अभी भी सोच लो। क्या सोच लो हैं, आपको बक 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 कीजो, दबा दे चुका हूँ मैं। नीलोफर तो रो रो के आसमान सर पे उठा लेगी। वो केबल वाला लड़का है ना, वैसे वो तुम्हारे भांजे से बहुत बेहतर है और है भी अकलौता, और देखो मुझे तो शक्ल का भी बड़ा प्यारा लगता है। तुझे भी प्यारा लगे हैं? अबे अब क्या अपनी बच्ची को मैं मिरासी खानदान में ब्याह दूं? अब वैसे है बहुत बेशकल तुम्हारी बहन का लड़का, मुझे तो लहर कर अपनी नीलोफर पर तरस आ रहा। और मुझे आ रहा गुस्सा, कभी कभी जुबान को इन 32 दांतों में बंद भी रखा करो। तुम बोलती हो ना तो मेरे सर का दर्द बढ़ जाता है, समझी? चुप हो जाओ। ये लो चाय पी लो। लो चाय पी लो, सब मेरा तुम्हारा। अम्मा तुम्हारी चूड़ियां तुम्हें मिल गई या नहीं मिली? अरे कहाँ मिली, वो साथ का है ना कोने वाली, वो बता रही थी कि रणछोड़ लाइन में एक बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, वो तो उनके पास चोर को पकड़ने का ऐसा अमल है कि इशा में वजीफा करके सोते और ख्वाब में सब चोर की शक्ल पता, सब ठिकाना पता चल जाता है उनको। और मैं फौरन जाऊंगी। पागल हो गई है, यूं ही जाऊंगी? ये सारे फिरौड़ी होते हैं, ये पीर फकीर टाइप लोग है, सभी जाली नहीं होते, कुछ बहुत पहुंचे हुए भी होते। रहने दो अम्मा, अब जाने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों ना जाऊं? कैसी ठूसी ठूसी सोने की चूड़ियां थी मेरी, ये लो। आई ये तुझे कहां से मिली है? देखो तो हाय अल्लाह, तेरा शुक्र हाय अल्लाह। अपनी चीजों की हिफाजत करना सीखो अम्मा, यहां चुराने वालों की कमी थोड़ी है। आई बोल ना, कहां से मिली चूड़ियां बता। ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग आए थे सफेद दाढ़ी वाले, उन्होंने कहा कि मेरे बिस्तर के नीचे पड़ी हुई है। अल्लाह तेरा शुक्र है, कैसी खास इनायत है मुझ गुनाहगार पर उसकी। बचपन से ही देने दिलाने का मोहताजों को बहुत शौक रहा है ना, मुझे हमेशा से देती हूँ, बस शायद यही अदा पसंद आ गई उसको मेरी। अल्लाह का शुक्र है, तेरा एहसान है परवरदिगार। नीलोफर, आई हुमैरा अनीला को तैयार करा दे। जद्दू तू भी अपना पजामा पहन ले बेटे, स्त्री की टेबल पे रखा है। आज तैयार करा दो सारे बच्चों को, आज सीमी को भी बना दो। सईदा, अरे भाई क्या हो गया, देर हो गई, जल्दी चलो, अभी तैयारी बाकी है क्या? क्यों देख रहे हो ऐसे घूर घूर के, निकालो मेरी कोई खामी। अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही वहां से। समंदर पे चले? समंदर पे सटिया गए हो क्या? कदीर मामू की बेटी मुन्नी का निकाह है आज। ओ भाई निकाह तो रोज होते रहते हैं, बस समंदर पे जाने के जी कभी कभी चाहता आदमी ना। राष्ट्र से सूर्य कई दे दिलाऊंगा, कल उठेंगे गोली गोली कराएंगे। अब खर्च दो मुझे, दसवें की तैयारी में नहीं लगूंगी अब मैं। बस सुन, बात सुनते जा, कहाँ जाएगी, कहाँ भाग के।
अभी तक तैयार नहीं हुई? मुन्नी खाला से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है, मुझे तो लगा एक हफ्ते पहले से वहां पहुंची हुई होगी। खैर, कदीर नाना ने बड़ा उम्दा खाना रखवाया है, छोटे का गोश्त है, कोरमा है, कबाब पराठा है और मीठे में पता नहीं क्या क्या है। भाई जरदा ना हो ना तो मूड ही खराब हो जाता है। आखिर को आराम की कमाई है, बेटी की शादी में नहीं तो कहीं तो लगाते। खैर तुम तैयार हो जाओ जरा जल्दी से, तुम दफा हो जाओ ना, मुझे कपड़े बदलने। अरे मैं तो बताने ही भूल गया, अब्बा ने केबल लगाने की इजाज़त दे दी है, वो मैं दूसरे महल्ले से केबल वालों को बुला के लाया हूँ, उनका तो रिजल्ट हामिद शामिद से भी अच्छा है, देखना बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। जरा एक पहली चाय तो बना दो, अशफाक भाई ने बड़ी फरमाइश की है चाय के लिए। अब जाओ ना, बना रही हूँ, दफा हो यहाँ से। और मुझे आवाज़ दे देना बना के, खुद मत देने चली आना। अच्छा यार, वो अशफाक भाई जरा कुछ अच्छे से इंग्लिश चैनल लगा देना, समझा करें यार। अबे पागल हो गया, पाबंदी लगी हुई है। अरे यार, अरे अशफाक भाई, अशफाक भाई, क्या हुआ क्या हुआ? तो हो गया जो होना था। खैर ऐसी बात नहीं है, धुल जाएगा। सामने गुजल खाना, आप जाके जरा अपनी पैंट साफ कर लें और मैं जरा इसे अंदर देखा रहता हूँ, इसे कपड़े वपड़े तब्दील कराता हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ यार। ओके यार, तुम भी ऐसे देख के जो है ना कर देते हो, समझते समझते हो नहीं। बबलू तो नहीं है? आप वो नए केबल वाले हैं जी? वो सितारे वाला चैनल जरा साफ लगाइएगा, वो मनहूस पुराना केबल वाला था ना, अपनी मनहूस शक्ल जैसा लगाता था। ये चाय? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल कंचा आएगा, पानी जैसा रिजल्ट, मैं लगाऊंगा आपका सितारे वाला चैनल। सुनिए, आपका नाम क्या है? नीलोफर।